भाई साहब पिछले कई दिनों से पुलिस वालों की तारीफें कर रहा था कि पुलिस वाले अब ऑटो वालों को अंदर जाने दे रहे वृंदावन में, आज शायद उनको तारीफें पची नहीं और भाई मुझे रोक दिया, सवारी मुझे पागल बाबा पर छोड़नी पड़ गई और वहाँ से लेके यहाँ तक खा दिया है। दो तीन दिनों से लगातार अंदर जाने दे रहे थे, आज मुझे वापस कर दिया है, यहाँ बैरियर से अंदर गाड़ी नहीं जाने दी तो यही सवारियाँ छोड़नी पड़ी है मुझे। और देखो कितनी लंबी लाइन लगवा रखी है वृंदावन में। मैडम जी क्या हो गया? सर में दर्द आ रहा है, सर में दर्द करते हो यार। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदर आदर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं, नादों के हो गए रेडी और भाई मथुरा में होली की शुरुआत हो गई है। परसों यहाँ गोकुल में रमरीति आश्रम की होली थी, कल बरसाना में लड्डू मार होली और परसों लठ मार होली है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग देश विदेशों से आते हैं। आप में से कौन कौन आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल सुबह के 8 बज चुके हैं तो नहा के हम निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। भाई कल से हंगामा जो शुरू हुआ चल ही रहा, अभी भी सवारियां निकली हुई हैं। सोनू थोड़ी सी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं जब त्योहारों का टाइम होता है ना, तो इधर से उधर से आने जाने वालों में समझ नहीं आता किसको पकड़े किसको छोड़े। भाई लोग शनिवार का दिन, होली का टाइम, मजाक थोड़ी है, आते के साथ ही सवारी मिल गई, अब जा रहे हैं वृंदावन। ये रही मेरी सवारियां, एक भैया आगे बैठे, राधे राधे, चलो भाई वृंदावन राउंड मार के आते हैं। वैसे कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि इधर से तो भर के ले जाते हैं, उधर से सवारी नहीं मिलती, आज उम्मीद है वापसी मिल जाएगी। दो दिन से लगातार सवारी आ रही है, कुछ तो लौटेंगे सारे के सारे वृंदावन में, थोड़ी डेरा डालेंगे। चलिए भाई दोस्तों, आज पहली बार ऐसा लगा है कि ब्रज में वाकई में होली आ गई है। मथुरा वृंदावन में भीड़ भाड़ सी दिख रही है। मथुरा जंक्शन से चला तो मैं खूब शांति में था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 8 बजे करीब में मथुरा जंक्शन आ गया और आते के साथ ही सवारी मिल गई। और भाई वृंदावन आते के साथ ही एहसास हो गया, पागल बाबा पे तो जाम नहीं मिला था लेकिन अटल्ला चुंगी पे भयंकर जाम है और लंबी लाइन लगी हुई है। सवारी तो छोड़ दी, अब यहाँ से वापस जाने के लिए सवारी चाहिए, देखते हैं निकलते हैं। वैसे कई दिनों से मैं खाली जा रहा हूँ वापस, आज उम्मीद है कुछ मिल जाएगा, कुछ भीड़ भाड़ को देख के तो लग रहा है। भाई देखो अटल्ला चुंगी पे क्या हाल है, ना अंजलि? अंजलि दीदी परसों आएंगी। अच्छा अच्छा काय को रोक लो, काय को रोक लो, पीरी तू क्या कर रही है? पानी की टिकिया कहाँ से भाई? कहाँ से? पापा लायो, मेरे घर ना रखी था ना, ला तो पिल्ला। कल ना भाई जो मेरी भतीजी है चंचल, उसके बेटे का जन्मदिन था तो घर से सारे बच्चे गए हुए थे। कपूटल लोग खुशी गई थी, अंजलि गई थी और भूरा और मुरारी गए थे दोनों, उनकी दोनों की वाइफ गई थी, सारे के सारे वापस आ गए आज, बस अंजलि नहीं आई। और अंजलि के बिना हमारे घर का पूरा काम अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी मैं घर पे ही था तो भाई सारा का सारी व्यवस्था भंग पड़ी हुई है घर में, अंजलि से बहुत सारा हो जाता है हमें यार, जितना भी घर का सारा काम है अंजलि कर डालती है। अब अंजलि आई नहीं है तो भाई काम हो रखे खराब। और भाई अभी दोपहर बाद में गाड़ी लेके निकला ही था घर से, तभी हमारा एक मित्र है, ये देखो, ये मत सोचो कि भाई गाड़ी बदल दी है पहले, मेरे पास महिंद्रा ट्री हुई, ये जो गाड़ी है मेरे दोस्त लाखन की है, वो कहीं सवारी लेके जा रहा था मेरी कॉलोनी की तरफ, ये रोड सीधी मेरी कॉलोनी को ही जाती है, तो भाई का ये वाला टायर हो गया पंचर और उसकी गाड़ी में सवारियाँ बैठी हुई थी, तो मेरी गाड़ी रुकवा ली, भैया थोड़ी सी सवारी छोड़नी है गाड़ी देते। मैंने कहा ठीक है भाई, वो तो गया मेरी गाड़ी लेके और मुझे खड़ा कर गया चौकीदारी पे इस गाड़ी की, इसके बाद CLG वाली है, तो उसी का खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, आए तो कुछ मथुरा जंक्शन की तरफ जाएँ और कुछ कमाएँ।
पंचर वाली प्रॉब्लम मेरी भी बहुत पुरानी है भाई, मेरी भी गाड़ी के टायर पुराने हो गए, और पुराने टायर कब पंचर हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। और बीच में तो इतना परेशान किया था, लगभग 2-3 दिन लगातार मेरे पंचर हुए थे, उसके बाद पंची वाले की थोड़ी सी लजर सूदी हुई, तो लगभग लगभग 15-20 दिन हो गए जब से, अब तक पंचर नहीं हुआ है। लेकिन भाई जो दबाव है वो तो है ही है, टायर तो डलवाने पड़ेंगे आज नहीं तो कल, और किस दिन रूट जाए कोई गारंटी नहीं है इसकी। चलो आने देते हैं, निकलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए, जब आ जाएगा जहाँ पैसे अभी देगा बाद में देगा आगे उनके साथ बात हुआ है, है? जाओ घर में हमारी जो मित्र मंडली है ऐसी है, कभी कभी अपना काम उधारी में करवा लेते हैं कि भाई मेरे पास सवारियां हैं, 2 गाड़ी का काम है, चल वहां तक छोड़ देते हैं, फिर वहां पे छोड़ने के बाद तू स्टेशन पहुंच, मैं आता हूँ आके पैसे देता हूँ। और भाई अब तो महीने गुजर जाते हैं पैसे का कोई नाम नहीं होता, इसीलिए उससे सवारी उतारते ही पूछा पैसे अभी देगा कि बाद में देगा, उसने अभी दे दिए कि भैया ले जा। अपने ऐसा नहीं है क्या, विश्वास नहीं करते एक दूसरे पे, और कभी कभी छोटे छोटे पैसों के पीछे झगड़े भी हो जाते हैं और मारे भी जाते हैं। कई बार तो आदमी सोच लेता है कि यार क्या 150 रुपए के लिए रोज रोज मांगू इससे, मन होगा जब दे देगा, और वो फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। वैसे अपन को तो मिल गए भाई, अब देखते हैं दूसरा नाम लगा के। भाई साहब हमारे मथुरा में हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, क्या कहें यार, कौन कहां से आ जाएगा कोई पता नहीं है भाई, जिसकी जिधर मर्जी होती है उधर ही मोड़ देता है गाड़ी, ठुक जाए तो फिर लड़ लो। और भाई 2-3 दिनों से लगातार अंदर जाने दे रहे थे, आज मुझे वापस कर दिया है, या बैरियर से अंदर गाड़ी नहीं जाने दी तो यहीं सवारियां छोड़नी पड़ी है मुझे। और देखो कितनी लंबी लाइन लगवा रखी है वृंदावन में, पूरा लंबा लाइन है भाई, सारे के सारे वृंदावन आने वाले हैं, वृंदावन से वापस जाने वाली रोड पे मैं हूँ, ये देखो ये खाली है, और आने वाली रोड का हाल देखो, और बैरियल से लेके ये पागल बाबा मंदिर आ गया, इससे भी आगे तक जाम हो रहे एकदम, फोर लेन बना के सीज पैक कर रखा है भाई साहब। पिछले कई दिनों से पुलिस वालों की तारीफें कर रहा था कि पुलिस वाले हम ऑटो वालों को अंदर जाने दे रहे वृंदावन में, आज शायद उनको तारीफें पची नहीं और भाई मुझे रोक दिया, सवारी मुझे पागल बाबा पे छोड़नी पड़ गई और वहां से लेके यहां तक खाली आया, एक सवारी नहीं मिली, वैसे भी वृंदावन अंदर से भी सवारी नहीं मिल रही थी, सुबह भी खाली आया था, आज तो कम से कम लगभग 1.5-2 किलोमीटर का उन्होंने मेरा रास्ता ही बचवा दिया, सवारियों के लिए दिक्कत हो गई, बेचारे पैदल गए थे बैरियर क्रॉस करके। भाई हम तो चाहते हैं कि अंदर तक छोड़े, पुलिस वाले नहीं जाने देंगे तो चालान तो कटवाने से रहे, और ऊपर से पुलिस वाले जब रोकते हैं ना तो किस लेवल से रोकते हैं वो हम ही जानते हैं, उनके कितने मधुर शब्द होते हैं हमारे लिए, तो वो सबको झेलना पड़ता है। बहरहाल आ गए भाई सवारियाँ छोड़ के वापस, अब देखते हैं एक चक्कर और लग गया तो ठीक, वरना घर निकल जाऊँगा। हाँ तो भाई दोस्तों ये दूसरा चक्कर है मेरा वृंदावन का, पहला एक लगा के चला गया तो, और कुछ भाई मिल गए वृंदावन से, आज नसीब थोड़े से खराब रहे, 2 चक्कर पहले काली गया, तीसरे में भाई मिले। हेलो हेलो भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन सी जगह? कवर्धा जिला। कवर्धा जिला। कवर्धा जिला, ये किधर पड़ता? रायपुर के आसपास, बिलासपुर। अच्छा बिलासपुर के आसपास। तो भाई ये भाई साहब है, 6 बंदे थे, 2 कुछ स्पेशल चीज लेने के लिए गए, रोड पे खड़े हुए मैं आपको ब्लॉग में बता नहीं सकता क्या ले ले गए वो लोग। तो कैसा रहा भाई आज का एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा। वृंदावन का माहौल बहुत अच्छा था। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत। लोग वो बोलते हैं कि ऑटो वाले लूट लेते हैं, ऐसा कुछ है ड्रामा या नहीं? नहीं 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 है, ऐसा रहता है लेकिन सब नहीं रहता है। पहली बार जो आता है वो लुटता ही है,
दो चार रहता है, दो चार बार घूम जाओगे फिर आदत हो जाएगी कार से काम के लिए सवारी पकड़ने में। मेरे को ना आपका जो चलाने का टैलेंट है ना बहुत अच्छा लगा, आपसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भैया मुझे भी। मैडम जी क्या हो गया? सर में दर्द है। सर में दर्द कहते हो यार? जाते जा रो दवा दिलाने चलो। चल दवा लिया गीता जी, चलो दवाई दिला लाऊं। दवा लाऊं चल। भाई हमारी मैडम का बहुत बुरा ड्रामा है, मैं कहने में कह रहा हूँ ये ड्रामा कर रही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इनका क्या है कि जब भी कोई सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, बुखार हो, दवाई के नाम से बहुत ज़्यादा डरती है भाई, दवाई लेती नहीं है। अब यार जब तक दवा लोगे नहीं आप कैसे ठीक होंगे? बोल रहा हूँ मैडम सुनी नहीं रही हैं, बस सिर ढका हुआ है, आराम से सोने की तैयारी में है। और भाई आज का दिन मेरा अच्छा रहा, आज मैंने वृंदावन के 3 चक्कर लगाए। हालांकि मुझे लौट के जो वापसी सवारी मिलती है वो नहीं मिली थी, लेकिन 3 चक्कर लगा दिए थे, 1 सुबह लगाया और 2 शाम को, बैक टू बैक शाम को 2 चक्कर लग गए। उसकी वजह से दिन अच्छा हो गया है और भाई यहाँ से आगे दिन अच्छे ही होंगे, बुरा होने से कुछ नहीं रहा। क्योंकि अब होली आ गई है तो होली की सवारियाँ निकलना शुरू होंगी। शायद परसों की बरसाने में लड्डूमार होली है और 18 की है जो लठमार होली बोलते हैं। तो अब एक के बाद एक कहीं ना कहीं की होली होगी, एक दिन वृंदावन की होगी, एक दिन मथुरा की होगी, एक दिन गोकुल की होगी, फिर दाऊ जी की होगी। तो लगातार होली का फेस्टिवल अब मथुरा में चलता रहेगा। आप लोगों से कोई घूमने आना चाह रहा है तो इससे अच्छा समय नहीं है भाई। दुनिया में अब कहीं भी अपने घर अपने शहर कहीं भी होली खेलिए, लेकिन ब्रज की होली से अच्छी कोई जगह होली हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत दूर से विदेशों तक से लोग आते हैं और ख़ासतौर से बरसाना वाली देखने के लिए तो पता नहीं लोगों ने कब कब की बुकिंग करके डाल रखी है। ओ दिन अच्छा है, खाना पीना खाने की तैयारी में है, क्योंकि मैडम ने खुद के सर में दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी हमारे लिए आलू के पराठे बना के रखे हुए हैं, तो आलू के पराठे खींचते हैं और भाई इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।